तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू नंबर 81 से लेकर एमसीक्यू नंबर 90 तक डिस्कस करेंगे। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 81 से लेकर एमसीक्यू नंबर 90 तक, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 81 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सी डबल एच ग्रुप, SO3H ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप यानी क्या, और CHO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और OH ग्रुप। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं जो कि थर्ड पोजीशन पर या फिफ्थ पोजीशन पर डायरेक्ट करते हैं अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को एक बेंजीन रिंग के अंदर। और यहाँ पे मैंने जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स टोटल 6 हैं, क्लासेस उनकी 4 हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, उनकी 4 क्लासेस हैं। सबसे पहला है कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं सी डबल एच ग्रुप, फिर होते ईस्टेरिक ग्रुप, ईस्टेरिक ये कार्बो सी डबल एच ग्रुप जो है ये कार्बोक्सैलिक एसिड, एक्चुअली कार्बोक्सैलिक एसिड का ग्रुप है ये, और सी डबल ओ ग्रुप जो है वो ईस्टर का ग्रुप है। अच्छा सी एच ओ ग्रुप ये भी हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, और इसी तरह से सी ओ जो है ये है कीटोनिक ग्रुप, और NO2 जो है वो नाइट्रो ग्रुप है, और SO3H जो है वो सल्फोनिक ग्रुप है। ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो अगर आप देखेंगे सी डबल एच ये भी मेटा डायरेक्टिंग हो गया तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। SO3H ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, ये सल्फोनिक ग्रुप है, CHO ग्रुप ये भी अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर आता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब राइट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो है OH, OH ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कैसे है, क्योंकि OH जो है ये है अल्कोहलिक ग्रुप, OH जो है हमारा आंसर है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। OH कौन सा डायरेक्टर है, OH है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा एंड यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस सवाल के अंदर देखते हैं वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर शोन बाय, कितने चेन आइसोमर्स शो करेगा C5H12। और C5H12 हमें फॉर्मूला पता है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पेंटेन का। अब हमारे पास पेंटेन्स के लिए यानी कि अल्केन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अल्केन्स के लिए हमारे पास होती है एक शॉर्ट ट्रिक, और वो शॉर्ट ट्रिक अल्केन्स के लिए सिर्फ कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के लिए होती है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आइसोमर्स निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है 2n-4+1। अब आपको करना क्या है कि n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2^5-4+1। अब 2^5-4 हो जाएगा 2^1, 2^1+1 ये हो जाएगा टोटल मिला के 3, क्योंकि 2 हो जाएगा और +1 3, तो 3 आइसोमर्स बनेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करने के लिए यूज करना समझ में आ गया। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हेक्सेन के लिए और हेप्टेन के लिए, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हैं और हेप्टेन के कितने आइसोमर्स हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहला कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH, दूसरा कंपाउंड है N2O4, और तीसरा कंपाउंड है HNO3, और चौथा कंपाउंड है NH3। तो आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैं NH2OH के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमने नाइट्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन लिख लिया, दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम रखेंगे +1, +1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2, और फिर दोबारा एक और हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। अब देखें यहाँ पे +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा N+1=0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा N+1 अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल टू के दूसरी साइड पे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा -1। N2O4 के अंदर क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजन है साथ में 4 हाइड्रोजन है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोजन +4 था उधर जाके बन जाएगा -4। अब यहाँ पे 2 × 2 = 4, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया -2। हमें बताना है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तक -2 आया और -1 आया। अब HNO3 के अंदर देखते हैं, आपस की बात बताऊं तो यही हमारा सही आंसर भी है। कैसे कि HNO3 के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह पे रखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू की दूसरी तरफ हो जाएगा 0। अभी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अपनी जगह पे -1 -6 अपनी जगह पे रहेंगे तो ये हो जाएगा +1 -6 हो जाएगा, -5 = 0, -5 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा N = +5।
नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकला है प्लस का 5, यहाँ पर निकालते हैं नाइट्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, तो +3 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 उधर जाके ये बन जाएगा -3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ रहा है -3। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा -3 है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन, -2 भी रॉन्ग ऑप्शन, -1 भी रॉन्ग ऑप्शन, सिर्फ सही आंसर क्या है, प्लस का 5। तो हमारा प्लस का 5 आ रहा है HNO3 के अंदर, तो HNO3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेट द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन अदर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। जो वाटर का, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरे कोवेलेंट हाइड्राइड्स के मुकाबले में ज्यादा होता है, इसकी क्या वजह है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बना सकते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, या कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। समझते हैं इस चीज को जरा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हायर होता है अदर कोवेलेंट कंपाउंड से, क्योंकि वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर आमतौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होता, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कम, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ज्यादा। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये जरा देखते हैं। देखें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में अपनी अट्रैक्शन शो कर सकता है, तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। इस तरह बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, बात भी एक मॉलिक्यूल के हिसाब से हो रही है, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, अलॉय ऑफ ड्यूरा एल्यूमिन हैज परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम। बोले कि ड्यूरा एल्यूमिन का जो अलॉय है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितनी होती है, तो इसका आंसर है कि ड्यूरा एल्यूमिन के अंदर 95% एल्यूमिनियम शामिल होता है, 4% उसके अंदर शामिल होता है कॉपर, 0.5% उसके अंदर शामिल होता है मैग्नीशियम, और 0.5% उसके अंदर शामिल होता है निकिल। तो ये उसकी टोटल कॉम्पोजिशन है जहां तक मुझे याद है। तो एल्यूमिनियम की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 95% है ड्यूरा एल्यूमिन के अंदर, और ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। पढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या होती है। तो आमतौर पर जो खून की पीएच होती है वो होती है 7.3 से लेके 7.35 तक के दरमियान में, या बहुत ही ज्यादा हो तो 7.2 से 7.25 से लेके 7.35 तक के दरमियान में, यह आमतौर पर ब्लड की पीएच होती है जहां तक मुझे याद है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन ये बात जरूर है कि 7.35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताता चलूँ कि 7.2 पर अगर पीएच चली जाए इंसानी ब्लड की, तो जो इंसान है वो बेहोश हो जाता है, सही ना, मतलब इसको क्या बोलूंगा उर्दू के अंदर, बेहोश ही बोलेंगे, बेहोश हो जाता है, बेहोश लिखना नहीं आ रहा मुझे, बेहोश ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अगर उसकी पीएच 7 चली जाए तो वो डायरेक्ट 7.1 हो जाए उसकी पीएच, तो वो चले जाता है कोमा के अंदर, और अगर ब्लड की पीएच 7 हो जाए तो डायरेक्ट डेथ हो जाती है। ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस सबको गूगल करना है, और गूगल करने के बाद जो उसके सही आंसर है आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जो मुझे बिल्कुल डिटेल आंसर बताएगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा नीचे। तो फिलहाल सही आंसर तो है कि ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 होती है। आई होप यू गेट द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन HCN इज। हमें बताना है कि HCN के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर कार्बन का हाइड्रोजन से एक सिंगल बॉन्ड होगा, जो कि ऑब्वियसली सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन का नाइट्रोजन से जो पहला वाला बॉन्ड होगा ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन इसके बाद कार्बन के जो 2 बॉन्ड्स होंगे नाइट्रोजन के साथ वो दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे। तो उसका सही आंसर होगा कि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा। तो जरा समझते हैं, मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर होता है येलो, और उसका कलर रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसका कलर जो होता है वो न्यूट्रल होता है ऑरेंज सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर जो येलो कलर है और जो रेड कलर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जो कि ऑरेंज कलर देते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर, यानी एसिडिक और बेसिक एक दूसरे को जब न्यूट्रलाइज कर लेते हैं एसिड और बेस, तो उनका येलो कलर और रेड कलर आपस में कंबाइन होकर इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है तो ऑरेंज कलर का शेड दे रहे होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर। फिलहाल हमें बताना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में उसका क्या कलर होगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर यार बताने वाली क्या बात है, उसका कलर क्या होगा, रेड।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेड। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 89 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 89 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट NaCl का बहुत ज्यादा हाई होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको रिड्यूस करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आ जाते हैं, क्या चीज ऐड करके डाउन सेल के अंदर। तो यार तुमने डाउन सेल पढ़ा होगा सेकंड ईयर के अंदर, और ये तो बहुत ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप कैसे भूल सकते हो। तो उसके अंदर ये था रीजन कि कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ में। सोडियम क्लोराइड हम आमतौर पर रखते हैं 42% या 40% के आसपास, कैल्शियम क्लोराइड को रखते हैं हम लोग 58% के आसपास। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट 800 से डिक्रीज होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, जिसकी वजह से मेटेलिक फॉग को अवॉइड कर पाते हैं डाउन सेल के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अब इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल के अंदर पूछा जा रहा है 90 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें से कौन सा आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देता। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए के अंदर CH3O CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है एसीटोन का, लेकिन एक बात अपने ध्यान में रखनी है आपने कि ये CO लिखा हुआ है, CO कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ये भी कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO। अच्छा, और ऑप्शन सी में भी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है CO। अब आप एक बात जरा गौर करें कि ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास CO का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, CHO का फंक्शनल ग्रुप है, CHO जो है वो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब हमें पूछ रहे हैं कि कौन सा आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देता। तो देखिए ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, मेंशन कर दिया कि अल्डिहाइड जो होता है वो आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देता, जबकि कीटोन जो है वो आयोडोफॉर्म का टेस्ट देता है, यानी कि ऊपर वाले तीनों आयोडोफॉर्म का टेस्ट देंगे, तो वो हमारे रॉन्ग ऑप्शंस हो जाएंगे। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के, ये CH3CHO जो कि अल्डिहाइड है, ये क्या देगा, ये हमें देगा भाई, क्या देगा, ये हमें आयोडोफॉर्म का टेस्ट नहीं देगा, सॉरी। तो ये हमारा राइट आंसर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज आपके लिए मददगार साबित हुए होंगे। अगर आप यहां तक आ ही चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।